डियर फ्रेंड्स, ये देखिए आज मेरे साथ में कौन है, बहुत स्पेशल सा दोस्त है इस वीडियो के लिए। आपने चिकन देखा होगा, देसी मुर्गा टाइप। ये देखिए, ये पूंछ पे थोड़े से बाल हैं, ये पीठ पे पैच है। जहाँ पे पैच है यहाँ पे बेसिकली इसके ज़ख्म हो गया था, जहाँ ज़ख्म हो गया था वहाँ बाल आ गए हैं, बाकी जगह पे बाल नहीं आए। और ऐसा नहीं है कि ये शुरू से ऐसा है, ही वॉज अ ब्यूटिफुल डॉग, अभी भी बहुत सुंदर है, हमारा बहुत लाडला बच्चा है और इसका नाम जिंजर है ना, जिंजू होता है मान लो नाम। चेस्ट पे देखिए कोई बाल नहीं है, देखने में जो फर्स्ट लुक में ऐसा लगता है कि एक ब्रॉलर जो है वो बड़ा वाला जो चिकन वगैरह लोग खाते हैं उस तरह का। पाँव पे बाल है, लेग्स पे नहीं है, देखिए पाँव पे बाल है, लेग्स पे नहीं है। और ये जो है कोई ऐसा नहीं है कि घर वालों ने कोई डिज़ाइन बना रखा है इसका या कुछ भी हेयर कट ऐसा किया है। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम अ बिग प्रॉब्लम रिगार्डिंग स्किन, और घर वालों ने पिछले कह लीजिए अभी सितंबर चल रहा है, फ्रॉम दिसंबर जैन ऑनवर्ड्स वो इसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, और इसके लिए जो जो कर सकते थे वो इन्होंने किया। और बहुत अच्छी सी लविंग सी फैमिली है जहाँ पे ये जिनका फैमिली का हिस्सा है। ही इज़ वैगिंग हिज टेल, एक्टिविटी लेवल बहुत अच्छा है, खाना तो इन्होंने उतना ही सही होता है, 1.5-2 किलो जनाब का भार होगा। इम्पॉर्टेंट क्या है इस बारे में मैं बताने वाला हूँ। मैं बादल भंडारी हूँ और मैं पिछले 25 साल से डॉग्स ब्रीड कर रहा हूँ और मैं बिहेवियरिस्ट हूँ। अक्सर मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ नॉलेज के लिए, आपके साथ में नॉलेज शेयर करने के लिए, आपको बताने के लिए कि हम अपने फर बेबीज़ की लाइफ कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स इसकी हो रखी हैं इसके लिए दुनिया जहान की दवाइयाँ इन्होंने इसे दी हैं। और साइज़ देखो उस बच्चे का कितना है, 1.5-1.5 साल का ये बेबी है, बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा एज नहीं है इसकी। मैंने इसे बिल्कुल ऑरेंज कलर में फ्लफ़ी, एक जैसे एक फ्रूट होता है फ्लफ़ी, मतलब गोल मोल सा, जैसे आप कह लीजिए पपाया जैसा था, ये बहुत सुंदर सा फुल ऑफ हेयर्स एंड ऑल। लेकिन इसकी स्किन इतनी रफ हो गई है, उसका रीज़न है बहुत सारी तरह की एलर्जीज हो सकती है, बहुत और भी एक और प्रॉब्लम हो गई, इसका हार्ट जो है वो भी एनलार्जमेंट हो गई, हार्ट की भी टेस्ट की रिपोर्ट्स बोलती हैं। मैंने देखा है, मुझे एज सच कुछ बड़ा ज़्यादा नहीं लगा, बिकॉज ये चूजी होते हैं, बड़े ज़्यादा फूडी नहीं होते। अब जो खुद डॉग 2 केजी का है, उसने अगर दिन में 25-30 ग्राम खाना दिन में 2-3 टाइम खा भी लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो ऑनर है, ऑनर की उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती, उनको लगता है कि हमारा जो डॉग है वो शायद भूखा रह गया, शायद वो प्रॉपर खा नहीं रहा। इन डॉग्स को बहुत ज़्यादा ना ध्यान दे के एक कैलकुलेटिव वे से मेडिसिन देनी चाहिए, चाहे वो फीड सप्लीमेंट्स भी हो। ये बच्चा मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि दुनिया में बहुत सारे डॉग ऐसे हैं जो इस कंडीशन में है, जिनके डॉक्टर ट्रीटमेंट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी उनकी जो कोट कंडीशन है वो सही नहीं होते। इसका मुंह देखिए, क्यूटनेस ओवरलोडेड है। मेरे पास में एक और ब्लैक लैब आता है जो सेम कंडीशन से गुजर रहा है, बट अब उसका गुजर रहा था रादर, अब उसका 95% जो हेयर कोट है वो आ गया है, और आई एम रियली हैप्पी क्योंकि उसकी फैमिली ने भी बहुत एफर्ट्स किए हैं। अब ये आज मेरे पास में आए हैं तो मैं इसका भी कुछ स्टार्ट करूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, अगर डॉग का स्किन का प्रॉब्लम आ रहा है तो दैट मींस कि वो लिवर उसका प्रॉपर काम नहीं कर रहा, लिवर की प्रॉब्लम आ रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, मैं बार बार बात करता हूँ ना कस्टमाइज डाइट शेड्यूल, मैं बार बार बात करता हूँ कि हमें अपने बच्चे को क्या देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ लिवर, आप जाएंगे मार्केट से लिवर खरीद के ले आएंगे, लेकिन आपके बच्चे को कौन सा लिवर चाहिए और कितने ml चाहिए वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर इसे कैल्शियम भी देना है तो बॉडी वेट के हिसाब से, अगर 1.5-1.5 साल का सेंट बर्नार्ड है तो वो होंगे जनाब 70-80 kg के, और ये जो है ये जनाब 1.5-1.5 किलो के हैं। ओ नो, मैक्सिमम 2 kg होगा, 2 kg भी नहीं होगा। सो अगर हम हेल्दी फूड देते हैं, बैलेंस्ड फूड देते हैं, अब जैसे इस बच्चे की अगर मैं बात करूं, इसे पहले वीट वगैरह बिस्किट वगैरह भी देते थे, अभी सब कुछ बंद किया हुआ है, गिनती की 2 से 3 चीज़ें सिर्फ ये खा रहा है, बड़ी अच्छी हेल्दी वेल्दी फैमिली में है, लेकिन खाना नसीब नहीं है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, शायद इसकी ओवर मेडिकेशन हो गई, जितनी ज़रूरत नहीं थी उससे ज़्यादा दवाइयाँ दे दी इसे, मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, अगेन फीड सप्लीमेंट की भी। और बहुत सारे डॉक्टर्स ने बोला ये इस वजह से हो रहा है, ये उस वजह से हो रहा है, शायद इसके पापा को है, ये जेनेटिक होगा, इसके फादर को हो सकता है, इसके मदर को हो सकता है। लेकिन जब बच्चा 8-9 महीने तक 10 महीने तक बिल्कुल बढ़िया चल रहा था, तो अगर जेनेटिकल होता तो वो शुरू से ही उसको दिखाई देता, ये हिप डिस्प्लेसिया नहीं है कि 3 महीने बाद दिखाई देगा या कुछ भी, राइट। डियर फ्रेंड्स, ये जो बच्चा है जिंजर, इसकी इस कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या ये खुद रिस्पॉन्सिबल है, इसके जेनेटिक इशू है? क्या इसके ऑनर रिस्पॉन्सिबल है?
शायद उन्होंने कोई ऐसी चीज इंट्रोड्यूस कर दी इसे खाने के लिए जो इसे नहीं दे सकते थे, तो वो भी कोई जरूरी नहीं है। कई बार होता है हम ऐसी जगह पे घुमाने ले जाते हैं जहाँ पे अलग अलग टाइप की जड़ी बूटियाँ निकली होती हैं, खास करके बरसात वगैरह में, वो सर्दियों की बरसात भी हो सकती है, गर्मियों की भी हो सकती है, क्योंकि जब डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स निकलते हैं वो कई होते हैं कि बहुत ज़्यादा एलर्जिक होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। उसके अलावा शायद हम खाना जो इसको देते हैं प्रॉपर, जो खाना देना चाहिए शायद हमने वैसा नहीं दिया, या कुछ ऐसा दे दिया जो इसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि ये एक दिन में ये कंडीशन नहीं हो जाती, बहुत दिन लगते हैं डॉग को इस कंडीशन में पहुंचने के लिए। जब आपके डॉग को, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इस बच्चे के साथ जो हो चुका है वो तो हो ही चुका है, मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी और दोस्त का डॉग भी इस कंडीशन में पहुंचे, उसके लिए हमें बहुत देर तक वेट नहीं करना कि हम लोग, हाँ जैसे हमारा फैमिली मेम्बर अगर बीमार होता है हम डॉक्टर को चेक करवाते हैं, अगर एक डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और फ़र्क नहीं पड़ रहा तो डेफिनेटली हमारा हक बनता है हम अपने फैमिली मेम्बर को दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाएं। वैसे ही डॉग्स के साथ भी है, अगर आपके डॉग को एक जगह से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो डेफिनेटली आपको स्विच करना चाहिए, डॉक्टर को चेंज करना चाहिए। हम वेट नहीं कर सकते कि डॉग एक्सट्रीम कंडीशन में पहुंच जाए और उसके बाद में उसकी रिकवरी इतना ईजी ना हो। तो ये जो डिसीज़न लेना है ना टाइम पे, कंसल्टेशन का, डॉक्टर के पास जाने का या अपने डॉग को फिट रखने का, क्योंकि एक पेट ऑनर के लिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता कि उसका जो फर बेबी है वो अच्छी कंडीशन में हो, उसकी लाइफ अच्छी चल रही हो। अगर हमारे डॉग्स खुश हैं ना, अगर हमारे डॉग कंफर्टेबल हैं तो हम लोग भी कंफर्टेबल हैं। सो ये जो डिसीज़न है ये टाइम पे लेना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आपका डॉग इस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उसका एक्टिविटी लेवल देखो, उसने पूरा जिसे कहते हैं ना पूरी जान रखी हुई उस बच्चे ने कि आई एम ओके यार, आई एम वेरी हैप्पी, सब कुछ ठीक है, ये एक ऑनर के लिए बड़ी टफ बात होती है कि इतना सुंदर बच्चा, उसकी ये कंडीशन हो रखी है। देखने में बहुत सारे लोगों को ये सुंदर नहीं लग रहा होगा, देखने वालों को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को फ़र्क पड़ता है क्योंकि मेरे लिए ये पहले भी बहुत लविंग था, प्यारा था, उतना ही एक्टिव था, उसकी आत्मा वही है, उसकी सोल वही है, सिर्फ बॉडी लुक्स की वजह से हम इसको पसंद करें या ना करें ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए नॉर्मल वाला ओमेगा 369 नहीं चलेगा, इसके लिए स्पेशल लिवर का और स्किन का चलेगा। स्टार्ट कर रहा हूँ आज, अगर इम्प्रूवमेंट आएगी 1.5 से 2 महीने कम से कम लगेंगे इम्प्रूवमेंट। आज आप देखिए इस डॉग की क्या कंडीशन है, अगर आपके डॉग की भी ऐसी कुछ कंडीशन है या उसे डाइजेशन बार बार डाइजेशन का इशू आ रहा है या ग्रोथ नहीं प्रॉपर हो रही है तो आपको क्या करना है, खुद से डॉक्टर नहीं बनना, खुद से एक्सपेरिमेंट नहीं करना, गो टू सम वेटनरी डॉक्टर अगर वो नहीं पॉसिबल आपके लिए, अगर आप ट्राई कर चुके हैं नहीं रिजल्ट आया, आई एम जस्ट अ मैसेज अवे फ्रॉम यू, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं और मेरी एक्सपर्टीज़ की जो टीम है जो विद 25+ एक्सपीरियंस, हम सब बैठे हैं आपकी हेल्प करने के लिए। तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9878474748 पे, मैं और मेरी टीम आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं क्योंकि हम आपके डॉग की प्रॉब्लम का सलूशन कर सकते हैं। आई होप ये जो वीडियो बनाया है ये आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो मिस ना करें। साइंदिया करेंगे मुझ पे, आप पे, इस जिंजर पे, इसकी बहुत सुंदर सी फैमिली पे, इसकी दादी मम्मा रखी हैं उस पे और मुझ पे और आप सब पे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, गॉड ब्लेस। You're rent free.